थर्टी ए जी 400X ये मॉडल है इसका, फैन चिलर है, नया इंस्टॉल हुआ है, ये वाला नया चिलर इंस्टॉल हुआ है। मैं आपको थोड़ा पैरामीटर्स कैसे सेट पॉइंट चेंज करते हैं, कैसे सेंटीग्रेड से फारेनहाइट से चेंज करते हैं आपको बताने वाले हैं। यहाँ हम जाएंगे सेटिंग पे, ये होम पेज ऐसा दिखता है, अभी चिलर चालू कर दिया हूँ, चालू है। हम सेटिंग में जाएंगे तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, पहले हम इसमें जाएंगे डिस्प्ले परफॉर्मेंस में, तो हम यहाँ देख सकते हैं हम क्या क्या है। हम इसमें सेंटीग्रेड फारेनहाइट में चेंज करके दिखाने वाले हैं आपको, ये अभी सेंटीग्रेड में है, हम इंच पाउंड में जैसे क्लिक करेंगे अभी इसमें मैं क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ क्लिक किया, यहाँ सेव का ऑप्शन आया, ये सेव करोगे अपडेट डिस्प्ले परफॉर्मेंस हो रहा है। अब हमको सेट पॉइंट चेंज का, ये सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं। ये UC800 कंट्रोलर है ट्रेंड का, नया चिलर अभी चालू हुआ है, हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताने वाले हैं कैसा सेट पॉइंट चेंज करते हैं, कैसा ये सेंटीग्रेड से फारेनहाइट चेंज करते हैं। अभी हम चेंज किए तो हम आपको होम पेज पर जाके दिखाने वाले हैं, होम पेज पर दिखाएं तो अभी देखो ये फारेनहाइट में आ गया, ये पूरा फारेनहाइट में आ गया। हम प्रेशर भी दिखाएंगे आपको, ये देखो पूरा ये अभी फारेनहाइट चेंज करेगा तो हमारा PSI में आ जाएगा, पूरा PSI में आ गया है, देखो पूरा PSI जी में आ गया है अगर फारेनहाइट हम डालेंगे तो। अभी हम आपको फिर सेम सेंटीग्रेड में करके दिखाने वाले हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, फिर डिस्प्ले परफॉर्मेंस, ये लिखा हुआ डिस्प्ले परफॉर्मेंस, इसमें जाएंगे, फिर इंच पाउंड में हम क्लिक करेंगे। अब हमको तो चाहिए KPA में, मतलब सेंटीग्रेड, तो ये इसमें क्लिक करेंगे। ये अभी हम आपको दिखाए थे फारेनहाइट चेंज करके, अभी हम सेम करेंगे जैसा है। अभी यहाँ सेव का ऑप्शन आया, क्लिक करेंगे, अभी अपडेट हो रहा है, जस्ट फ्यू सेकंड में ये अपडेट होके आपको हम दिखाने वाले सेंटीग्रेड, अभी ये अपडेट मांगा, अभी अपडेट हो गया, हम आपको होम पेज पर जाके दिखाने वाले हैं। ये देखो अभी सेंटीग्रेड आ गया, पूरा सेंटीग्रेड में आ गया है। अभी हम आपको प्रेशर भी दिखाएंगे, ये देखो अभी KPA में आ गया ये। तो हम ऐसा कोई भी साइट पे जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ हम इजीली हम यहाँ सेटिंग में जाके सेंटीग्रेड को फारेनहाइट पे चेंज कर सकते हैं, और कैसा सेट पॉइंट करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, यूनिट सेटिंग में जाएंगे तो हम यहाँ देखो 5.7 डिग्री सेट पॉइंट है, तो ये हम 6 सेट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन ऐसा आता है, दिस वैल्यू अंडर लोकल कंट्रोल, तो ये हम एडिट है जो फ्रंट चिल्ड वाटर सेट पॉइंट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेट पॉइंट चेंज का आ गया हमारा कीबोर्ड। तो अभी देखो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, ये इसका डिजाइनिंग जो चिल्डर का है, मैक्सिमम 22 डिग्री, मिनिमम 5.6 डिग्री, तो हम 5.7 रखे थे तो हम आपको चेंज करके जस्ट आपको दिखाने वाले हैं। तो 5.6 किया, अभी 5.6 है मिनिमम, तो अभी हम आपको जस्ट दिखाने वाले हैं, इसके लिए हम चेंज कर रहे हैं। देखो अभी जैसे हम सेव करेंगे तो हम आप फ्रंट पेज पे आपको दिखा सकते हैं, पहले 5.7 था, अभी हम 5.6 चेंज किए। अभी देखो ये देखो चिल्डर फ्रंट पहला चिल्ड वाटर सेट पॉइंट 5.6 हो गया। अभी हम आपको मेन पेज पे दिखाने वाले हैं, होम पेज पे कैसा दिखता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो एक्टिव चिल्ड वाटर सेट पॉइंट 5.6 हो गया है। अभी हम आपको फिर सेम करके दिखाते हैं, अभी हम यहाँ से सेटिंग गए, फिर यूनिट सेटिंग पे जाएंगे, अब हम सेट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अब एडिट पे क्लिक करेंगे, अब हमारा आ गया सेम, तो हम यहाँ से 5.7 रख देते हैं सेम। अभी यहाँ से हम क्लिक किए, सेव हो गया, हम आपको फ्रंट पेज पे दिखाते हैं। ये देखो ऐसा ही हम ये डिस्प्ले में जो ये UC800 कंट्रोलर है ऐसा हम फारेनहाइट सेंटीग्रेड चेंज कर सकते हैं, सेट पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल REPHVAC टेक्निकल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।